पार्ट बी फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस टू अपॉन थ्री एंड माइनस वन अपॉन थ्री, राइट। तो आपको इसके बीच में तीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए रैशनल नंबर्स किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसके तरीके होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे सिंपल मेथड बताया था वो ये अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दें, राइट। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम करने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ही डिनोमिनेटर सेम करके दिए गए, राइट। इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपके सेम है, थ्री एंड थ्री। तो अगर आप इनके न्यूमरेटर्स को देखेंगे तो ये है माइनस टू और माइनस वन, माइनस टू माइनस वन के बीच में तो वैसे भी कोई रैशनल नंबर नहीं आता है। तो अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, राइट। अब ऐसे केसेस में आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, राइट। वो फॉर्मूले वाला मेथड मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा करने में। मैं इसमें आपको यही वाला सिंपल मेथड बताऊंगी जिसमें कि आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ऑलरेडी आपको डिनोमिनेटर सेम किए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दोबारा से सेम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, राइट, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 30, राइट। अब मुझे इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो ऑब्वियस बात है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 आल्सो। तो मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया माइनस 10 अपॉन 30 एंड दिस इज माइनस 20 अपॉन 30, राइट। अब आप इन दोनों नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं आराम से, माइनस 20 अपॉन 30 एंड माइनस 10 अपॉन 30। अगर आप माइनस 20 अपॉन 30 और माइनस 10 अपॉन 30 के बीच में देखें तो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, राइट। मैं यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिख रही हूँ जो कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आते हैं। तो आप उनमें से कोई भी दो या तीन जितने आपसे पूछे गए हैं वो रैशनल नंबर्स आप इसमें से लेकर लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको तीन रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो आप तीन ले लीजिए इनमें से रैशनल नंबर्स। अगर आपको फाइव पूछे गए हैं तो आप कोई भी फाइव रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस मेथड से रैशनल नंबर्स को निकालना बहुत आसान हो जाता है कि जब आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं तो आपके पास रैशनल नंबर्स जो इन बिटवीन जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। जब कब होते हैं, आप जितना बड़ा इस डिनोमिनेटर को करेंगे, जितना बड़ा आप एलसीएम लेंगे इनका, उतने ही आपके दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ 30 डिनोमिनेटर की बजाय अगर आप 60 ले लेते हैं तो 60 अगर आप डिनोमिनेटर लेंगे तो आपके पास दो रैशनल नंबर्स के बीच में और ज्यादा रैशनल नंबर्स का गैप आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, तीन रैशनल नंबर्स चाहिए। आपके पास माइनस 20 से लेकर माइनस 10 तक के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 रैशनल नंबर्स हैं। अब आप इन 9 रैशनल नंबर्स में से कोई भी तीन रैशनल नंबर्स आप आराम से लिख सकते हैं। देयरफॉर इन बिटवीन रैशनल नंबर्स आर, कोई भी तीन रैशनल नंबर्स लिख दीजिए। और ये सबसे सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड जिसमें आपको सिर्फ डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, ये देखते हुए कि डिनोमिनेटर्स को अगर आप सेम करें और जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो आप इनको बहुत आराम से कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही लिख दीजिए, राइट। तो आपको थ्री रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, हमने ये तीन रैशनल नंबर्स इसमें फाइंड आउट कर लिए।